हेलो दोस्तों, वापस एक बार आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो फ्लोट वाल रहता है, मतलब जो टंकी में काम करता है फ्लोट वाल, वो कैसा काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक या कुछ बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ये मैनुअल रहता, मतलब अपने आप होता है। ये जो अपना ग्रेविटी रहता है, गुरुत्वाकर्षण, तो उसके बल पे ये काम करता है। तो पुराने ज़माने में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी टंकी में कोई रहती नहीं, तो अभी जो सिस्टम आया इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके ऊपर था। तो अभी ये पुराना सिस्टम है, तो ये कैसे काम करता है ये पहले बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बॉल आता है, ये बॉल, अभी ये जो बॉल है ये 15 mm का बॉल है, मतलब जो 15 mm का ये जो बॉल रहता है, फ्लोट वॉल रहता है, उसके लिए ये बॉल आता है और ये रॉड आता है। उसके हिसाब से ये 20 mm का भी आता है। ये देखिए, ये 20 mm का है, इस पर लिखा भी है 20 mm, ओके। और उसके बाद ये आता है 25 mm, ये देखिए इस पर लिखा भी है 25 mm, ये देखिए 25 mm। तो इसके हिसाब से हर जितना, मतलब जितना हमारी टंकी बड़ी होगी उतना उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम रहता है। ये जो छोटा रहता है वो कम आपके 200 200 लीटर या 300 लीटर, 200 100 लीटर, 200 लीटर टंकी के लिए काम आता है, ये 500 लीटर तक, और ये 1000 लीटर की टंकी के लिए काम आता है। मतलब जितना बड़ी टंकी होगा उतना उसका बॉल भी बड़ा आएगा, उसका ये जो सिस्टम है फ्लोट वाल का वो भी बड़ा आएगा, और ये रॉड रहता है वो भी मोटा आएगा और उसका लंबाई भी थोड़ी बड़ी आएगी, ऐसा सिस्टम रहता है। तो इसके अंदर ये जो बॉल है, इसके अंदर ये देखिए थ्रेड रहते हैं, ये थ्रेड रहते हैं ना, तो वो इसके लिए रहता है। मतलब ये जो एक हेड रहता है ये इसमें चला जाएगा, और ये जो दूसरा वाला रहेगा इधर वाला, तो ये जो सिस्टम रहता है जो अपना वॉल का, उसके अंदर चला जाएगा। तो मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ, ओके। देखिए दोस्तों, ये मैंने असेंबल करके दिया है, ये इधर पे है, ये जो नट है ये इस तरह इसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब लॉक नट बोलते हैं उसको, इसको लॉक करके रखते हैं। और इधर भी जैसा है वैसा सिस्टम है, इधर भी ये जो स्पिंडल है, ये जो भी फंक्शन, मतलब फंक्शन काम करने वाला सिस्टम है, उसको ये होल्ड करके रखता है, उसको घूमने नहीं देता। और इसके बाद ये जो नट है वो अपने पाइप के आगे लगाने के लिए रहे, उसके ऊपर वॉशर भी रहता है। मैं आपको वॉशर भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये वॉशर है, ये इसके ऊपर ऐसा लगता है, मतलब जो टंकी में अपन लगाएंगे तो ये इसके ऊपर लगेगा, मतलब जो लीकेज रहता है वो रहेगा नहीं, ओके। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए ये ऐसा सिस्टम है, ये जब नीचे जाएगा, ऐसा नीचे जाएगा, इस जैसे इसका एंगल चेंज होगा उसके हिसाब से आगे पीछे होता है, ओके। तो इसमें इतना दिख नहीं रहा, तो ये देखिए इसमें दिखाएगा आपको, ये देखिए ये आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे, मतलब ये जैसे आगे नीचे चला गया तो ये ऊपर आएगा, और ये ऊपर आएगा तो ये अंदर चला गया, मतलब जो ये नीचे जाएगा तो ये नल ऑन होगा, जो अपना पाइप है पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा इधर से, ये देखिए इधर भी दिखाएगा, ये जब अंदर जाएगा बाहर आएगा तो ओपन आता है, जो ये जो सबको अंदर दिख रहा है छोटा, तो उसके अंदर ये बंद कर देता है और ये ओपन हो जाता है। मतलब ये ऊपर आने के बाद नीचे जब जाता है बॉल तो ये खुला रहता है, और जब बॉल ऊपर आता है तो वो नल पानी शुरू होता है, पानी बाहर निकलना शुरू होता है, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा असेंबल रहता है, ये जो अपना सॉकेट रहता है उसके अंदर ये बैठा जाता है, ये जो आप बोला था मैंने, ये नट ऐसा रहता है, तो इसके अंदर वॉशर रहता है, ये जो वॉशर बताया था मैंने ये इधर रहता है, मतलब पानी लीकेज ना हो इसलिए। और मैं आपको अभी इसका जो टंकी में कैसे काम होता है असेंबल, तो मैं बताता हूँ, ये देखिए कैसा ऑपरेट होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे टंकी में लगा के आपको दिखाता हूँ ये कैसा ऑपरेट होता है, और पानी चालू और बंद कैसा होता है वो भी दिखाता हूँ, ओके। तो ये दोस्तों, ये देखिए ये पूरा असेंबल कर दिया है हमारे नल को। तो ये जो है सिस्टम, ये हमारा इंडेट नल है, उसको ये जो एयर प्रो इसके अंदर ये अभी लगाया है, तो अभी ये टंकी पूरी भरी है, तो इसकी जगह इधर पानी से पानी नहीं आ रहा है, ओके। जब मैं अभी इसको दबाऊंगा तो देखो पानी आ रहा है, ओके। तो ये सिस्टम बता रही है टंकी भरी हुई, इसके भी ये पानी नहीं आ रहा, समझे। तो ये सिस्टम काम करता है ये पूरा,
देखो अभी नीचे दबाया, बंद हो गया, छोड़ा, बंद हो गया, चलेगा, बंद हो गया। ऐसा सिस्टम ये, इसको फ्लोट वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में तैरता है, इसलिए इसको फ्लोट वाल्व बोलते हैं। ओके तो दोस्तों, मुझे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में आपको ये जो मीटर रहता है पानी प्रेशर मीटर, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो ये अभी ये खराब हुआ है, तो इसके अंदर जो क्या रहता है मतलब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।